ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें कानपुर के सीसा मऊ पर भी वोटिंग होनी है। वहीं आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसको लेकर आज गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के लिए भव्य रोड शो किया और जनता से वोट मांगे। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए विशाल वाहन जुलूस निकाला। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष और सीसा मऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर भी जमकर हमला बोला है। रवि किशन बोले कि अब सारा हिंदू जाग उठा है, एक एक हिंदू घर से निकलकर वोट करेगा। अयोध्या में जो छल के साथ हमारी हार हुई है, इसका बदला लिया जाएगा। वहीं सीसा मऊ से विधायक रहे इरफान सोलंकी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि विधायकों को क्यों जेल हुई है, जमीन हड़पना ये सब उनका काम है। सीसा मऊ की जनता के लिए ये बहुत शानदार मौका मिला है, हिंदू बनकर सभी को वोट करना है, क्योंकि अब भी आप बटेंगे तभी कटेंगे, क्योंकि जब भी आप बटेंगे तभी कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। गोरखपुर से आके मैं सीसा मऊ की देवकुल जनता को ये निवेदन करता हूँ कि जो अपमान अयोध्या के बाद हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी योगी जी का, हमारे संगठन का, क्योंकि हिंदू बटा है। भैया हमारा निवेदन है उस समस्त हिंदू जन से जो बहकावे में रहा, जो यहाँ पर समझ नहीं पाया, जो अत्याचार झेलता है सीसा मऊ की जनता, जो तकलीफों से गुजरी है और गुजर रही, ये अद्भुत मौका है। हम लोग जीत के कगार पर पहुंच गए हैं, बस ये निवेदन है हिंदू बनकर वोट करना, जाति में नहीं बटना, ब्राह्मण पासी मौर्या कुशवाहा बनकर नहीं जाना। कृपया निवेदन है हर बिरादरी से, मैं अपने भोजपुरी समाज से हमारा निवेदन बा, कृपया ई मौका बहुत बहुत अद्भुत भगवान देले वाड़न, यो उस अपमान का बदला लेना है। राम आंदोलन के बाद से ये सीट जो गई है, ये छल से गई है, और यहाँ के जो विधायक है वो कहाँ है आपको पता है, और वो जेल में क्यों है ये भी आप जानते हैं, उनके कार्यशैली के बारे में भी आपने आप जानते हैं, जमीन हड़पना माफियागिरी से लेके वो सारे गलत कार्य। तो मैं चाहूंगा देवकुल जनता से, आप लोगों के माध्यम से मैं संदेशा देना चाहता हूँ, गोरखपुर का सांसद आपका रवि किशन ये निवेदन करता है, ये मौका बहुत शानदार है, अपने अपमान का बदला चुकाना है, हिंदू बनकर वोट करना है, क्योंकि जब भी आप बटे हो तब आप कटे हो, एक रहोगे सेफ रहोगे नेक रहोगे। जीत की माला अगर आप लोग साथ देते तो कहा इनके हम पहना दे, हाथ उठा के बोले नमः पार्वती पदे, माला के साथ ही हो चाहिए, ताकि ना कोई बटेगा और ना ही कोई। खोलो बिल्कुल खोलो, बोलो जय। ये जज्बा जिंदा रखना, ये मौका बहुत बढ़िया बा, चूकिया मत भैया हो, नहीं तो जीवन भर पछताई बा। जौन अयोध्या के बाद पूरा अपमानित हुए हम सब, अब यह संबोधन करें क्यों किया, आगे संबोधन हो गया, चलो फिर आगे। कानपुर से सीनियर संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।